बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल नाज़रीन, ठीक ठाक हो? अलहमदुल्ला मैं भी वधिया। अज असीं मौजूद हाँ आपके पिंड दे विच, आपके मुहल्ले दे विच। अज एक हैगी है शादी, साढ़े हमसाया की बेटी की शादी है, तो इंतजामिया भी असी और मेहमान भी हैं। तो देखते पे हो तुसीं, तंबू शंबू लग रहा, रोटी शोटी पकती पई है। तो उम्मीद है कि तुहानूं वीडियो अच्छी लगी होगी, पिंडां दी शादी, पिंडां दी विलेज दी शादी, देसी रूटीन दे विच। ए जनाब तंबू शंबू लैके जा रहा है, समान कुर्सियां शुरसियां ला रहा है, टेबल शेबल ला रहा है। तो आओ तुहानू भी दिखाने, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सबसक्राइब कर लो, चैनल में बैल जरूर दबा दियो ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो तुहानू मिल सकन। इधर जनाब काका साहब ने जनाब कुर्सियां लगा रहे हैं, टेबल लगा रहे हैं। इधर लग चुकी ने कुर्सियां, और एक टेबल उत्ते तकरीबन 6 से 4 10 कुर्सियां लगियां, और 4 टेबल हो गए हैं। और इस तरफ हम काम चालू है, अच्छे ना काम करो, अच्छे ना। देगा लाइन च लग गई हैं जनाब, 8 देगा। इन विच मसाला पाना, एक देग च बनिया पा सारे का, फिर गोश्त पाना उत्ते। लो जी, खैमे का इंटरेस्ट तुम दिखाने लगे, अंदर आते सारी इतने हजे कनात लगनी, ये पिछे कनात नहीं लगाई ताकि हवा वो क्रॉस होएगी, वो उत्थे भी कनात नहीं लगाई। और यह स्टेज बनाता तंबू, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, उत भी हवा वास्ते रखी रस्ता, इतने हवा वास्ते रस्ता रखा। तंदूर वाले ने कोल ही सद लिया, तंदूर ते रोटी लग गई भी तड़ा तड़। तंदूर वाला कह रहा सी मेरी वीडियो भी बनाओ, चलो मैं क्या भाई ने खुश कर दिए। माशाल्लाह बड़ी सोहनी रोटी ला रहा है। बरात आने का टाइम हो गया जी, बरात आ चुकी है, मेहमान आना शुरू हो गए ने। पिंड के भी कुछ मेहमान कहे हुए थे, और बरात के नाल इन्ने मेहमान से जड़े आ गए। तो हूँ जो टाइम हो चुका है जी निकाह का, निकाह हो चुके है और दुआए मंग गई, और हूँ रोटी का टाइम हो गया जी। तो इधर साढ़े शेफ साहब जी जी गार्निश कर रहे उत्ते मेवा जात। तो अलहमदुल्ला हूँ थोड़ी भजन सही होनी है, मतलब कि भज भजाई होनी, रोटी लैके जानी, लोग लैके आनी। और इधर डिश में कोरमा जड़ा वो निकालते पे ने, और डिशा च पा के आख लिया रेडी करके, बस हूँ छेती छेती लैके जाना। भाई उन्होंने लैके जाना शुरू भी कर दिता ने, पहले मिठे चावल, फिर कोरमा, प्लेटा गर्म सीगिया। तो सौदर भाई दे हाल सड़न लग गया से, फिर एक एक करके लैके जा रहे हैं। और यही थोड़ा जहा टाइम होंदा काम का, अलहमदुल्ला मेहमान ने खाना खाना शुरू भी कर दिता। और इस खैमे दे विच कम से कम भी 100 कुर्सी लगाई गई है, और एक दफ़ा फुल हो चुका सी, दूसरी शिफ्ट विच फिर औरतों का खाना खिलावांगे। अलहमदुल्ला जी बंदियां नूं खाना खिलाता, औरतां जिहड़ियां ओह हले रहिंदियां ने। तो शेफ साहब धड़ा धड़ स्टेगां च पा रहे चावल, तो आवाम नूं खिला रहे ने, लंगर चालू है। रोटी पूरी आ जाएगी, अल्लाह करेगा।